आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो वेक्टर्स और उसको हम नल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले तो देखेंगे एक्चुअली जीरो वेक्टर्स होता क्या, एग्जैक्ट जीरो वेक्टर्स क्या होता है और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में। और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि आपको जीरो वेक्टर्स किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्या होता है जीरो वेक्टर्स। उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखने वाले हैं जो हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो पहले देखते हैं दोस्तों जीरो वेक्टर्स होता क्या। तो दोस्तों जीरो वेक्टर्स को अगर इसका डेफिनेशन देखें तो हम बोलते हैं कि जीरो वेक्टर जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड उसका जीरो होता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसका डायरेक्शन दोस्तों इनडिटरमिनेंट होता है। इनडिटरमिनेंट मतलब उसका डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत डिसाइड ही नहीं कर सकते उसका डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई वेक्टर है, जैसे यहां पे हम ओरिजिन पे कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा, ऑब्वियस है वो वही पॉइंट पे ही होगा, जहाँ पे वो स्टार्ट होगा वहीं पे वो फिनिश हो जाएगा। और उसका जो डायरेक्शन है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसको दोस्तों हम एक पॉइंट की तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है उसी तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो हमारा जीरो वेक्टर है, मतलब उसका डायरेक्शन भी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं है, तो हम उसको किसी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और भी और जितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं उनकी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो हमारा जीरो वेक्टर्स होता है वो एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन जो होता है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो इतना छोटा वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर्स को जो डायरेक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो उसका डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, तो इसीलिए वो इनडिटरमिनेट होता है। अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हुआ जीरो वेक्टर को दोस्तों, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर एक डायरेक्शन में वो तो जीरो होता है, तो उसको हम जीरो लिखते हैं। और उसको हर एक डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में के कैप, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया जीरो वेक्टर्स क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या किस तरह से होता है और उसको हम किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों उनको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर कोई जीरो है, अगर हम मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में हमारे पास अगर कोई नंबर, जैसे हम एक ले लेते हैं फाइव है, ठीक है, और इसको अगर हम जीरो से ऐड करते हैं, तो हमें जो नंबर जिससे हम ऐड कर रहे थे वही नंबर सेम मिलता है। इसी तरह से दोस्तों वेक्टर्स में भी अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और उसको हम जीरो वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमें सेम वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, अगर हम किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमें सेम वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि किसी भी वेक्टर को जब भी हम ऐड करेंगे जीरो वेक्टर के साथ, तो हम जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं जीरो वेक्टर के साथ हमें रिजल्ट में वही सेम वेक्टर मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर दोस्तों अगर कोई ए वेक्टर है, सेम यही वेक्टर ले लेते हैं और इसको हम इसमें से अगर हम जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें सेम वेक्टर मिलता है। तो ए भी इसके जैसा सेम ही है, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। और थर्ड क्या प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी वेक्टर है और उससे मल्टीप्लाई हम करें, डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं किसी भी वेक्टर का हम जीरो वेक्टर के साथ, तो जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो वो जीरो हो जाएगा।
वाई इधर जीरो है, वाई का जो मैग्नीट्यूड है, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी जीरो है, तो इधर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और जेड का जेड के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जीरो वेक्टर, और उसको हम नल वेक्टर्स भी बोलते हैं। आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप नल वेक्टर के साथ या जीरो वेक्टर के साथ डील करते हो। उसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए जीरो होता है, उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट होता है जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एज अ पॉइंट पॉइंट की तरफ पे पॉइंट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हुआ तो हम उसको जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप लिख सकते हैं। और उसके बाद उनकी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर किसी भी वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से ऐड करते हैं तो हमें सेम वेक्टर मिलता है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ, जब भी किसी भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विथ जीरो वेक्टर देन हमारा जो रिजल्ट होता है दोस्तों वो जीरो होता है। वो आप अगर मैथ्स में देखें किसी भी नंबर को हम जीरो से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमें जीरो मिलता है, तो उसी तरह से वेक्टर्स में भी यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जीरो वेक्टर्स में इतना ही। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।